सब्सक्राइब कीजिए डीके वेबटेक चैनल को और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूर्णिमा फ्रॉम डीके वेबटेक। आज हम इंसर्ट टैब में आगे के ऑप्शन सीखेंगे। हम बुकमार्क से स्टार्ट कर रहे हैं। बुकमार्क हमारे कर्सर की स्पेसिफिक पोजीशन जो भी है उसका कोई भी नेम आप असाइन कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पे है, आपको इस पोजीशन का कोई भी नेम देना है, तो आप बुकमार्क पे जाएंगे। ये देखिए बुकमार्क नेम है, आप यहाँ पे कोई भी नेम दे दीजिए। जैसे हमने दे दिया रवि, इसे ऐड कर दीजिए। अब नेक्स्ट टाइम आपका कर्सर कहीं भी होगा या आप एमएस वर्ड को क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे तो भी आप बुकमार्क पे जाएं। ये देखिए रवि हमारा बुकमार्क अभी ऐड है, हमने गो टू किया। देखिए आपका कर्सर जिस पोजीशन का होगा वहीं पे पहुंच जाएगा। आप एक से ज़्यादा बुकमार्क भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कर्सर कहीं और यहाँ पे रखा, आप बुकमार्क पे गए और कोई भी नेम आप दे दीजिए अगेन। जैसे हमने राज दे दिया, अब इसे ऐड कर दिया। अब देखिए कहीं भी कर्सर होगा, अब बुकमार्क पे जाएं। अगर आप रवि पे जाकर गो टू करेंगे तो रवि की पोजीशन पे पहुंच जाएगा, और राज पे जाकर गो टू करेंगे तो राज की पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अगर आपको बुकमार्क नहीं चाहिए तो आप इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। ये देखिए एक डिलीट हो गया। अगर आपको ये भी डिलीट करना है, इसे सिलेक्ट करिए, डिलीट कर दीजिए। प्रेजेंट टाइम हमारा कोई भी बुकमार्क नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस एक तरीके से हमारी लिंकिंग है कि हमें कोई भी लिंक क्रिएट करना है। सबसे पहले हम अपने इस टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं सेलेक्ट करके। अब कुछ पेज इंसर्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमने 3 पेज इंसर्ट कर लिए। ये देखिए अब जो सबसे फर्स्ट पेज है इसे हम ब्लैंक छोड़ देंगे। सेकेंड पेज पे आप कुछ भी ऐसा टाइप करिए जिसे आप हेडिंग में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे कि हमने फर्स्ट डाल दिया। अब कोई भी इस पे टेक्स्ट मैटर टाइप कर लीजिए। सिंपल हम कमांड चला देते हैं। थर्ड पेज पर भी कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे हमने सेकेंड डाल दिया, जिसे हम हेडिंग में कन्वर्ट कर सकें। ये देखिए सेकंड हमारी हेडिंग हो गई और बाकी हमारा टेक्स्ट हो गया। अब इस सेकंड को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। होम पर जाएं, इस पे देखिए हेडिंग 1 है। अब इस पे क्लिक करके हेडिंग में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए ब्लू कलर का हो गया, मींस हेडिंग में कन्वर्ट है। इसी तरह हम इस फर्स्ट को भी हेडिंग में कन्वर्ट कर देंगे। सेलेक्ट करेंगे, होम पर हैं, हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब हम फर्स्ट पेज पे अपने कर्सर को रखेंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, क्रॉस रेफरेंस। अब देखिए रेफरेंस टाइप ये पूछ रहा है आप किस टाइप पे रेफरेंस दे रहे हैं, हेडिंग में है, बुकमार्क पे है, फुटनोट पे है, तो हमने हेडिंग में कन्वर्ट किया, हेडिंग पे देना है। ये देखिए हमारी फर्स्ट हेडिंग है वो शो कर रहा है, इंसर्ट करा है, देखिए फर्स्ट आ गया। इसके बाद सेकेंड, सेकेंड को हमने सेलेक्ट किया, इंसर्ट कर दिया, ये देखिए इंसर्ट हो गया। अब इसे क्लोज कर दीजिए और दोनों को सेपरेट कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड को। ये देखिए दोनों सेपरेट हो गए। अब कंट्रोल के साथ जब आप कर्सर इस पर रखेंगे तो देखिए हैंड का सिंबल है, मींस लिंकिंग है, और जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए फर्स्ट पेज पे पहुंच गए। वापस अपने पेज पे आए, सेकंड पे भी अगर कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे देखिए हैंड का सिंबल आया, आपने क्लिक किया, पेज पे पहुंच गए। अगर आप विदाउट कंट्रोल की कर्सर ले जाएंगे तो देखिए वो मैसेज दे रहा है कंट्रोल के साथ आपको क्लिक करना है। ये हमारा है क्रॉस रेफरेंस। कंट्रोल जेड हमने कर दिया है, अंडू। नेक्स्ट है हमारा हेडर फुटर। हेडर हमारे पेज का जो टॉप
लाइन है वो हमारा हेडर है। आप अपने पेज पे कुछ भी टॉप पे लगाना चाहते हैं देन हम यूज़ करेंगे हेडर का। देखिए हेडर पे इतने फॉर्मेट पड़े हैं, आपको किस टाइप का टेक्स्ट लगाना है, कैसा क्या करना है, वो यहाँ पे फॉर्मेट दे रहा है। हमने सिंपल सा लिया ये। अब देखिए टॉप पे ये टाइटल दे रहे, जैसे आप कोई भी न्यूज़पेपर देखते हैं जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, हर पेज के टॉप पे शो करता है। और बॉटम पे देखिए फुटर में कोई भी पेज नंबर या कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़ होती है जो हर पेज पे शो करता है। या कोई भी आप बुक देखिए, हर पेज के टॉप पे बुक का नाम शो करते हैं और बॉटम पे पेज नंबर। वैसे ही आप कुछ भी आप दे दीजिए, जैसे हमने दे दिया डेली न्यूज़। और ये बॉटम पे आए, आप कोई भी पेज नंबर दे दीजिए। इस पे भी देखिए बहुत सारे फॉर्मेट हैं, जो फॉर्मेट आपको सही लगे। हम इंसर्ट पे आके डायरेक्ट फुटर यहाँ से भी लगा सकते हैं। ये देखिए हमारा पेज नंबर इंसर्ट हो गया। अगर आपको कुछ और भी इंसर्ट करना है, देखिए पेज नंबर है या डेट टाइम आपको इंसर्ट करना है, हमने क्लिक किया, ये देखिए डेट टाइम की फॉर्मेट शो कर रहा है किस फॉर्मेट में आपको चाहिए। जैसे कि हमने ये फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया, ये हमारी डेट शो कर रहा है, ऊपर पेज नंबर है, नीचे डेट शो कर रहा है। अब देखिए हमारा टेक्स्ट बीच में आ गया। अगर आपको अपना हेडर फुटर देखना है, आप व्यू पे जाएं, प्रिंट लेआउट, ये देखिए आपका पेज ऐसा रेडी होगा। इसके बाद इंसर्ट पे देखिए, जब आप नया पेज भी इंसर्ट करेंगे तो उसके टॉप पे यही हमारी हेडिंग रहेगी, बॉटम पे पेज नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएगा, वो फर्स्ट था या सेकंड पेज नंबर हमारा है। हेडर फुटर का यूज़ ये है कि आप फर्स्ट पेज रेडी कर लीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके पेज रेडी होते जाएंगे, बस आपको टेक्स्ट टाइप करना है। अगर आपको कुछ भी टाइप करना है तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। देखिए आपका टेक्स्ट ऐसे, अब फिर आपको चेक करना है, आप व्यू पे जाइए, प्रिंट लेआउट, देखिए ये हमारा हेडर फुटर है। अब अगर आपको हेडर फुटर रिमूव करना है, आप इंसर्ट टैब पे जाइए, हेडर पे जाइए, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन ब्लैंक का है, आप ब्लैंक कर दीजिए, देखिए आपका हेडर हट गया, देखिए हर पेज से रिमूव हो गया है। वापस इंसर्ट टैब पे जाइए, अगर आपको फुटर भी हटाना है, फुटर पे क्लिक करिए, ये ब्लैंक कर दीजिए, देखिए हमारा फुटर भी रिमूव हो गया है। वापस व्यू पे जाके चेक कर लीजिए, प्रिंट लेआउट, ये देखिए हमारा पेज नॉर्मल है। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर। अगर आप डायरेक्ट पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करिए, टॉप ऑफ द पेज जहाँ भी आपको चाहिए, बॉटम ऑफ द पेज, अगर आपने बॉटम ऑफ द किया, ये देखिए बॉटम पे शो करेगा। वापस इंसर्ट ऐप पे आइए, अगर आपको रिमूव करना है, रिमूव पेज नंबर। इंसर्ट टैब पे आइए। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। अगर आपको अपने पेज पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है तो यहाँ पे देखिए इतने फॉर्मेट हैं, आपको जो भी सही लगे आप यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए। जैसे ये सही लग रहा है हमें, हमने इसे इंसर्ट किया। इसका पहले हम साइज़ छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब कुछ भी आपको टाइप करना है यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं।
देखिए हमने इस टेक्स्ट को टाइप कर लिया है। अब इस पे भी आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपको फिल सेव फिल चेंज करना है, जो भी कलर आपको सही लगे। देखिए चेंज हो रहा है जैसे जैसे हम कर्सर मूव कर रहे हैं, हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको शेप की आउटलाइन चेंज करना है, ये देखिए आप इजीली देख सकते हैं कि कहाँ पे हम चेंज करें शेप आउटलाइन, हमने इसे सेलेक्ट कर दिया। अगर आपको शेप का इफ़ेक्ट देना है, सबसे पहले हम इसे इस साइड शिफ्ट करते हैं। अब आप शेप इफ़ेक्ट देख लीजिए, जो भी आपको सही लगे, हमने इसे सेलेक्ट किया। देखिए हमारा इफ़ेक्ट भी चेंज हो गया है। अगर आपको फिर से यहाँ पे चेंज करना है स्टाइल, आप चेंज कर दीजिए जैसा भी आपको चाहिए। अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो उसे भी आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट की आउटलाइन करना है, आप यहाँ से कर लीजिए। टेक्स्ट पे कोई भी इफ़ेक्ट आपको देना है कि ग्लो करे, ये देखिए। अगर आपको टेक्स्ट का डायरेक्शन देना है, देखिए हॉरिजॉन्टल पे ऐसे आएगा, रोटेट टेक्स्ट 90% पे ऐसे होगा, जैसे भी आपको चेंज करना है कर लीजिए। अलाइन टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट सेट करना है कि मिडिल पे शो करे, टॉप पे शो करे, जैसे भी आपको देना है, यहाँ पे आप क्लिक करके एक्टिव कर लीजिए। ये हमारी है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट की। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स का सबसे अच्छा यूज़ ये है कि आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करके उसे बड़ी ईजिली कहीं भी आप मूव कर सकते हैं। नॉर्मल टेक्स्ट पे आप टाइप करने के बाद उसे मूव नहीं कर सकते हैं, जैसे इसे देखिए हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। और बाकी जो हमारा ये टेक्स्ट है आप इसे मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा क्विक पार्ट। क्विक पार्ट पे कोई भी टेक्स्ट जो बार बार हमें नीड पड़ती है वो हम इसे सेव कर लेते हैं, और यहाँ से क्लिक करके हम दोबारा उसे टाइप करा सकते हैं। जैसे कोई भी वर्ड आप ले लीजिए, कोई भी कोटेशन, जैसे हेल्थ इज़ वेल्थ, आपने ये टेक्स्ट टाइप किया, इसे सेलेक्ट करिए, क्विक पार्ट्स पे आइए, सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी। देखिए हेल्थ इज वेल्थ है, गैलरी क्विक पार्ट्स है, कैटेगरी जनरल है, हमने इसे सेव कर दिया। ओके, नेक्स्ट टाइम आप अपना वर्क कर रहे हैं क्विक पार्ट्स पे जाए, देखिए यहीं पे आपका ये टेक्स्ट शो कर रहा है, हमने इस पर क्लिक किया, देखिए ये टाइप हो गया। अगर ये क्विक पार्ट हमें डिलीट करना है, हम इस पर देखिए राइट क्लिक करेंगे, ऑर्गेनाइज एंड डिलीट करिए, ये देखिए यहाँ पे सेव है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइज़र पे हमारा टेक्स्ट सेव होता है, या तो वहाँ से डिलीट करिए या तो यहीं पे आप डिलीट करिए। डिलीट कर दिया डायरेक्ट, ये पूछ रहा है आपको वाकई में डिलीट करना है, डिलीट कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम आप कोई पार्ट पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे हमारा नहीं शो कर रहा है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइज़र, यहाँ से भी आप इसे डिलीट कर सकते हैं कोई भी। बाकी यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट पड़े हैं, आपको जो फॉर्मेट सही लगे आप यहाँ से भी इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे हमने इसे यहाँ से, ये देखिए हमारे पेज का फॉर्मेट यहाँ से चेंज हो गया। टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, अगर आपको कुछ टाइटल देना है आप टाइप कर सकते हैं, सब टाइटल देना है, ये हमारा फर्स्ट पेज रेडी कर दिया। अगर आपको नहीं चाहिए आप कंट्रोल जेड कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट हमारे टेक्स्ट को बहुत ही इफ़ेक्टिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमने ये फॉर्मेट सेलेक्ट किया, हमारा कर्सर आया, आप कुछ भी टाइप करिए, ये देखिए हमारे टेक्स्ट का फॉर्मेट अभी ये है, आप इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कलर आपको देना है, आउटलाइन अगर आपको कुछ देनी है, सेम प्रोसेस वही है जैसे अभी हमने फॉर्मेटिंग की थी,
अगर आपको शेप फिल चेंज करना है, शेप की आउटलाइन अगर आपको देनी है, या शेप का कोई भी इफेक्ट आपको देना है, बाकी फॉर्मेटिंग सेम है जैसे आप चेंज करना चाहें। इंसर्ट टैब पर वापस है, अगर आपको नहीं चाहिए आप सेलेक्ट करिए, डिलीट कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप आप सबसे पहले किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिए। अब इसका यूज़ आप देख सकते हैं, ये देखिए फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा जिसका साइज़ इन्होंने बहुत हाईलाइट कर दिया है, और बाकी नॉर्मल टेक्स्ट रहेगा। आप जो फॉर्मेट चाहें यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा ड्रॉप कैप कि किसी भी पैराग्राफ के फर्स्ट कैरेक्टर को इन्होंने हाईलाइट किया है। अगर आपको नहीं चाहिए आप कंट्रोल जेड कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा सिग्नेचर लाइन। आप कोई भी वर्क करते हैं किसी भी कंपनी में, वहाँ के कुछ साइन होते हैं कि जो स्पेसिफिक उसी कंपनी के रहते हैं। अगर आपको सिग्नेचर लाइन पे जाएंगे, ओके करिए। अब देखिए सजेस्ट साइनर, साइनर जो है उसका नाम देना है। जैसे इन्होंने एग्जांपल में जॉन डो बताया है, आप कुछ भी दे दीजिए। जैसे हमने दिया अमित सक्सेना, अमित ही ले लीजिए नॉर्मल। अब उसकी देखिए टाइटल, उसकी पोस्ट क्या है कंपनी में, हम CEO दे देते हैं। अगर आपको ईमेल देना है तो आप ईमेल दे सकते हैं, अदरवाइज इसे छोड़ भी सकते हैं। ओके कर दीजिए। देखिए आपके सिग्नेचर क्रिएट हो गए, अमित हैं जो कि कंपनी में CEO हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए सिग्नेचर लाइन का यूज़ होता है। आप सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं इसे अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है डेट टाइम। अगर आपको डेट टाइम इंसर्ट करना है, जो भी फॉर्मेट आपको सही लगे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। बाकी इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसी अदर डॉक्यूमेंट की फाइल को अपने पेज पे ओपन करना, जैसे कि हम बिटमैप इमेज, हम पेंट की कोई फाइल यहाँ पे अभी इंसर्ट कराते हैं। अब हमने इसे ड्रॉ कर लिया, सिंपल आप यहाँ से बस क्लोज कर दीजिए। देखिए ये सिंबल आपके इस पेज पे डॉक्यूमेंट पे ओपन हो गया। अगर आपको नहीं चाहिए सेलेक्ट करिए, डिलीट करिए। ऑब्जेक्ट का सबसे अच्छा यूज़ यही है कि आप अदर कोई भी फाइल यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन अगर आपको इंसर्ट करानी है आप यहाँ पर क्लिक करिए। देखिए आपकी इक्वेशन यहाँ पर इंसर्ट हो गई। आप इस पर कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे एक्स वाई है आप जेड कर सकते हैं, कुछ भी जो आपको चेंजमेंट करने हो। ये हमारी इक्वेशन यहाँ से इंसर्ट हो गई। नेक्स्ट है सिंबल। सिंबल हम कभी हम कोई वर्क करते हैं हमें सिंबल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे कीबोर्ड में सिंबल नहीं होते हैं, इस पर बहुत ही लिमिटेड सिंबल हमें मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे सिंबल का ऑप्शन है कि अगर आपको एक्स्ट्रा सिंबल चाहिए देन आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। अब जो भी आपको यहाँ से रिक्वायरमेंट हो, जैसे हमने इसे सेलेक्ट किया, इंसर्ट कराया, और एक ये सिंबल ले लिया, इसे इंसर्ट कराया, आप यहाँ पे जितनी चाहें उतनी सिंबल इंसर्ट करा सकते हैं। ये देखिए दो सिंबल यहाँ पे हमने इंसर्ट कराए हैं। अभी साइज़ काफ़ी छोटा लग रहा है, आपको बड़ा करना है इसे सेलेक्ट करिए, होम टैब पर जाइए, और ये देखिए जहाँ से साइज़ बड़ा करते हैं टेक्स्ट का, वहीं से इसका भी साइज़ बड़ा हो जाएगा। जो भी साइज़ आपको चाहिए वो साइज़ कर लीजिए। इसको भी आप साइज़, इसका भी साइज़ बढ़ गया। जितना भी साइज़ आपको बढ़ाना है आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये स्पेसिफिक सिंबल है। ये था हमारा इंसर्ट टैब। नेक्स्ट वीडियो में हम और टैब्स का यूज़ सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।